जनवरी माह में हिमाचल को 350 नए डॉक्टर मिल जाएंगे, साथ ही इसी माह 100 नए एम्बुलेंस भी सड़कों पर दौड़ेंगे। तपोवन विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा आईजीएमसी शिमला में 100 एमएमयू से 150 डॉक्टर पढ़ाई पूरी करके निकलेंगे। इंटरव्यू से डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। जनवरी माह में हिमाचल को 350 नए डॉक्टर मिल जाएंगे, साथ ही इसी माह 100 नए एम्बुलेंस भी सड़कों पर दौड़ेंगी। तपोवन विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा आईजीएमसी शिमला से 100 एमएमयू से 150 डॉक्टर पढ़ाई पूरी कर निकलेंगे। इंटरव्यू से डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। सदन के अंदर भी कहा है कि जयराम जी की सरकार अफोर्डेबल हेल्थ, एक्सेसिबल हेल्थ और क्वालिटी हेल्थ पर काम कर रही है और उसमें हमने इस साल के अंत तक 100 करोड़ रुपया लगभग 1,00,000 लोगों के स्वास्थ्य के उपचार के ऊपर खर्च करने वाली हिमाचल प्रदेश ऐसी सरकार होगी, तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं। और ये आयुष्मान कार्ड और यूपीएन कार्ड, सहारा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष के आधार पर हमने 1,00,000 लोगों का उपचार 100 करोड़ की राशि से कहीं अधिक किया है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में भी इन्होंने कुछ बहुत बातें की है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने वो अस्पताल खोले थे उस समय डॉक्टर्स की चिंता नहीं की। अब हमने 2 सालों में 800 डॉक्टर अपॉइंट कर दिए हैं। परिचारिकाएं जिसको हम स्टाफ नर्सिस कहते हैं वो लगभग 300 के लगभग, फार्मासिस्ट यहाँ पर 350 अपॉइंट हुए हैं, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, इस प्रकार का काम निरंतर चला हुआ है। और जनवरी के पहले महीने में 300 डॉक्टर्स एमबीबीएस, 100 टांडा से, 100 आईजीएमसी से, 150 एमएमयू से कैंपस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम रखना चाहते हैं। 150 डॉक्टर अभी हाल में ही रजिस्ट्रारशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि 6 मेडिकल कॉलेजेस भी चलाने हैं, इसलिए एमसीआई के नॉर्म्स के तहत हम इन सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे। वहीं जयराम सरकार के 2 साल पूरे होने पर 27 दिसंबर को 100 नए एम्बुलेंस सड़क पर उतारी जाएंगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस वक्त पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने अस्पताल खोले थे तो तब उन्हें डॉक्टरों की चिंता नहीं थी। बीजेपी सरकार ने 2 साल में 800 डॉक्टर, 300 स्टाफ नर्स व 350 फार्मासिस्ट सहित लैब टेक्नीशियन आदि की तैनाती की है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक 1,00,000 लोगों के स्वास्थ्य उपचार पर 100 करोड़ से अधिक खर्च करने वाली पहली सरकार बनेगी जयराम सरकार। ऐसा है कि घोटाला निकलने पर वो प्रमाण भी रहे तो उसको हम घोटाला कहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है कि अगर ऐसे कुछ लोग कहते हैं तो वो प्रमाण भी साथ में दें। 100 गाड़ियां 27 तारीख को 2 साल पूरे होने पर हम एम्बुलेंसी जो है वो सड़क पर उतार रहे हैं, 100 गाड़ियां, ठीक है सर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।